नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। अब समाचार विस्तार से। जनपद में निकाय चुनाव समाप्त होने के बाद ईवीएम को गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाणिज्य भवन में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है, जिसके संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश सिंह ने बताया कि 4 मई को मतदान सकुशल सम्पन्न हो गया है और सभी 80 वार्डों के ईवीएम को गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाणिज्य भवन व कला संकाय भवन में रखा गया है। इसके अलावा नगर पंचायतों के बैलेट बॉक्स को संबंधित तहसील के स्ट्रांग रूम में रखा गया है, जिसकी 24 घंटे सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी की जा रही है। उन्होंने बताया कि ईवीएम की सुरक्षा के लिए पुलिस व पीएससी की ड्यूटी लगाई गई है, जो कि 24 घंटे ईवीएम की 13 मई तक रखवाली करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश सिंह ने कहा। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह, एडीएम फाइनेंस और डिप्टी डीओ गोरखपुर हूँ। हमारे जनपद में जो कल चुनाव हुआ, अर्थात 4 मई को जो चुनाव हुआ, उसमें 1 नगर निगम और 11 नगर पंचायतें हैं। नगर निगम का स्ट्रांग रूम विश्वविद्यालय प्रांगण में है, वाणिज्य भवन में, और डेलीगेसी जो बैडमिंटन के बगल है। नगर पंचायतों के सभी स्ट्रांग रूम तहसील मुख्यालयों पर हैं। सभी जगह पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है, पीएसी लगी हुई है, और जो मतगणना है वो आगामी 13 मई की सुबह से प्रारंभ होगी और मुझे लगता है 13 मई को ही समाप्त हो जाएगी। सर, सुरक्षा व्यवस्था दृष्टिगत क्या क्या? सभी जगह सुरक्षित है। स्ट्रांग रूम के जो नॉर्म्स हैं उनके अनुसार स्ट्रांग रूम को सील करके और पुलिस को हैंड ओवर कर दिया गया है। सर,